कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में हैप्पी होंगे। तो गाइज आज 22 अक्टूबर है, संडे है और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और आपको मेरी आवाज से पता चल रहा होगा और शायद हुलिये से भी पता चल रहा होगा, मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ। क्या है, संडे का ही तो दिन होता है, संडे के दिन आराम से सो सकते हैं। मतलब आप भी लेट ही उठते होंगे ना, फिर एक ही तो दिन होता है ना। आपको भी लग रहा होगा 2 बजे कोई उठने का टाइम होता है, 2-2 बजे उठते हैं, कैसे कैसे लोग हैं। अब आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ हुआ क्या है मेरे साथ। एक्चुअली मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। शुरुआत करते हैं, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज आप मम्मी को वहां मत भेजना, वहां थोड़ा उनको हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है, उनकी टेक केयर करने की जरूरत है। तो मैं अपना सब कुछ कर रहा हूँ, हर चीज ट्राई कर रहा हूँ आपके अनुसार, जो आप बोलते हो फॉलो कर रहा हूँ। बट अगर मेरे से छुप छुप आगे कुछ चीजें होती है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देख लिया था, पापा बिना बताए वहां चले गए थे देहरादून। ये तो मैंने कोइंसिडेंटली कॉल कर लिया उस टाइम पे, तो उन्होंने बताया मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और कोइंसिडेंटली उन्होंने फोन पिक भी कर लिया, अदरवाइज फोन पिक नहीं करते हैं। तो पापा रात को पहुंच गए थे, मेरी बात हुई थी रात को वहां पे, मतलब रुक गए थे। फिर क्या हुआ मेरे साथ, थोड़ी देर बाद रात को 3 बजे मेरे पास कॉल आता है, पापा का कॉल आता है। उसमें पापा क्या बोलते हैं, एक काम कर हमारी कैब बुक कर दे हिसार के लिए। तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, जैसा आप बोलो पिताश्री। मैंने कैब सर्च करनी शुरू कर दी, मतलब वो जो कारपूलिंग वाली ऐप होती है उसमें सर्च किया, फाइंड आउट किया, तो जो बेस्ट मैचिंग थी उसको फाइंड आउट करते हुए मुझे ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया। क्योंकि मैं देख रहा था अगर जो हिसार के लिए थी ना उसमें अवेलेबिलिटी सिर्फ 3 कैब्स थी और उनमें भी कोई श्योरिटी नहीं थी। आपको पता है ना कारपूलिंग में जो कैब्स वाले होते हैं शायद वो थे। तो उसके बाद मैंने ट्राई किया, फिर एक मुझे कैब दिखी, वो 5 बजे की थी। तो 3 बजे तो मुझे भी ठीक नहीं लगा कि किसी को कॉल करना, तो मैंने 5 बजे वाली उस टाइम बुक करी और पापा उस टाइम पे कॉल पे ही थे। फिर पापा ने बोला, पापा का मूड चेंज हो गया 3:30 बजे के आसपास, पापा बोलते हैं कि एक काम करते हैं ज्यादा जल्दी हो जाएगा, एक काम करियो तो सुबह उठ के 8-10 बजे जो होता है टाइम उस टाइम पे कैब बुक कर दियो, बाकी लोग हैं घर में वहां पे वो भी तब तक उठ जाएंगे गेट तक, मतलब सी ऑफ करने आ जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं सोचा कि मैं सो जाता हूँ, 3:30 बजे मैं सोया। उसके बाद 4:30 बजे मेरे पास कॉल आ गया उन कैब वाले भैया का जिनकी मैंने कैब बुक करी थी, बट इंस्टेंटली मैंने वो कैंसिल भी कर दी थी। तो भैया आपको भी समझ जाना चाहिए था कि कैंसिल करी है तो कोई रीजन तो होगा, इंस्टेंटली ही कर दी थी, कोई आधा घंटा तो नहीं लिया था, 5 मिनट भी नहीं हुए थे शायद कैंसिल कर दी थी। बट भैया का नंबर एक्सचेंज हो जाता है तो उनका मेरे पास कॉल आया, 4:30 बजे मेरे को दोबारा उठा दिया गया। मैंने भैया को बोला कि भैया ऐसे ऐसे कैब कैंसिल कर दी गई है। उसके बाद क्या होता है, 7:30 बजे फिर पापा का कॉल आता है, पापा मुझे बोलते हैं एक काम कर अभी की कोई कैब देखते और बुक कर दे। मैंने बोला पापा हिसार की जो कैब थी मोस्टली वो सारी जा चुकी हैं, ऐसा कर सकते हैं आप एक काम करो मैं दिल्ली या गुड़गांव की कैब बुक कर देता हूँ, आप उससे ट्रेवल कर लेना, यहां आ जाना। अगर आपको हिसार भी जाना है तो यहां से आपकी कैब बुक कर दूंगा, आप उसमें चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पापा बोले ठीक है ऐसे कर लेते हैं। तो मैंने फिर वो कैब देखनी शुरू करी, उसमें बहुत सारी कैब दिखा रहे थे, मैंने एक एक से बात करी, कोशिश करी चैट करने की, नंबर एक्सचेंज किए। उसके बाद शायद 9 बजे के आसपास की बात है कोई कैब मैंने कंफर्म कर दी, बुक कर दी। उसके बाद क्या होता है, जब मैं पापा को कॉल कर रहा हूँ पापा ने फोन उठाने बंद कर दिए। मतलब मेरे साथ ऐसे पोपट हो रहे थे, ऐसे प्रैंक हो रहे थे। 1 घंटा तक मैं कंटिन्यू कॉल करता रहा, कॉल पिक नहीं किए, और यहां से मैं कैब बुक कर चुका हूँ, उनको फाइनल लोकेशन भी बता चुका हूँ, उनको यहाँ का भी ड्रॉप पॉइंट भी बता चुका हूँ, उसके बाद कॉल पिक नहीं किए किसी ने 1 घंटा ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर क्या हुआ, भाई को मैंने कॉल किया, मैंने भाई को बोला पापा चले गए हैं क्या, बोला नहीं वो तो यहीं पे हैं, मतलब यहाँ पे आपको बस बताऊंगा कोऑर्डिनेशन नहीं है किसी का भी किसी के साथ, वहां पे अलग प्लान चल रहा है। पापा ने मुझे कैब का बोल दिया और वहां से बस से ट्रेवल करने की बात चल रही है कि मम्मी को शायद कोई बस से वो ट्रेवल करेंगे, और जो कि बिल्कुल सेफ नहीं था, पता नहीं ये प्लान कैसे बन गया। मतलब मम्मी को अभी जब भी ट्रैवल करते हैं उनको हर आधे घंटे बाद ब्रेक चाहिए होता है, उनकी तबीयत भी खराब है। कल रात को भी बात हुई थी तो वो यही बता रहे थे, मम्मी को कुछ टाइम से वॉमिट्स हो रही है, मतलब कल से ही हो रही है, कल उन्होंने मतलब लेट नाइट कुछ खा लिया उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो बाद में पापा ने भी फोन पिक कर लिया, फिर मैंने पापा को बताया पापा मैं कैब बुक कर चुका हूँ तो प्लीज मेरा मान रख लो थोड़ा सा, मतलब कैब वाला बहुत गालियां भी देगा और मुझे पे भी करना पड़ेगा उस चीज का। फिर पापा से बात हुई तो पापा ने बोला चलो ठीक है, फिर वहां से उन्होंने कैब वाले भैया ने उनको पिक कर लिया और फाइनली मतलब अब वो गुड़गांव आ रहे हैं, चल पड़े हैं वहां से। और मुझे पता था पापा फोन पिक नहीं करेंगे, तो मैं जो ड्राइवर भैया है उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, उनको मैंने बोल दिया अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर देना। तो अब लाइव लोकेशन शेयर हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंगली शायद पापा मम्मी यहाँ पे 5:30 बजे के आसपास शाम तक पहुंच जाएंगे। तो बस अभी वेट करता हूँ, यही एक रीजन था जिसकी वजह से सो नहीं पाया हूँ और अभी भी नहीं सो सकता हूँ, क्योंकि वेट कर रहा हूँ उनका, हो सकता है पिक करने जाना पड़े कहीं नियर बाय। तो बस अभी 5 बजे का वेट करते हैं।
तो गाइज अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अभी जस्ट मेरे पास कॉल आया है, मैंने अपनी लोकेशन उनको शेयर कर दिया एग्जैक्ट लोकेशन, तो वो घर पे ही ड्रॉप करेंगे, बस अभी वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में। तो गाइज अभी पहुंच चुके हैं, एक बार जल्दी से नीचे से रिसीव कर लेता हूँ। पहुंच गए शायद, अभी आ ही गए क्या नीचे? कैब वाले को कर दिया पे? मैं करके आता हूँ एक बार। मम्मी कहाँ है? वही, एक बार ले चलो मम्मी को, ले चलो एक बार ऊपर, मैं पे कर देता हूँ, रुको आ जाओ। उतर जाओगे यहाँ से या वहाँ से? ले चलते साइड से। कोई नहीं कोई नहीं, कमजोर हो रहे हो आप तो पहले से भी। हाँ तो थोड़ा सा ध्यान रखो ना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, ध्यान से। कोई नहीं पापा, एक बार ऊपर लेके चलो, मैं दूध वगैरह ले आता हूँ और पे कर देता हूँ भैया को। एक बार सामान चेक कर लेता हूँ एक बार गाड़ी में, और तो कुछ नहीं है ना? और तो कुछ नहीं है ना भैया गाड़ी में सामान? ऑनलाइन हो जाएंगे आपके? 2400 है ना? कर दिया भैया ऑनलाइन, कर दिया, चेक कर लिया आपने? ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी दूध ले आया हूँ पापा के लिए, क्या है पापा मम्मी चाय पी लेंगे। अब ये आइडिया नहीं है, मम्मी तो अब शायद फिक्की चाय देनी पड़ेगी उसमें बिना शुगर के ही, बट पापा है वो चीनी वाली पियेंगे, तो अलग अलग बनानी पड़ेगी दोनों के लिए। काफी टाइम बाद दूध आया, जब से गए थे ना पापा मम्मी यहाँ से गए थे, उसके बाद अब दूध लेके आ रहा हूँ इस घर में। मम्मी को तो सिर्फ दूध दे देना, फिक्का दूध ही दे देना। रूम ठीक लगा आपको? साफ किया था अभी आपके आने से पहले, पूरा आपको दिखा देता हूँ, पूरा जैसे एज इट इज, जैसा छोड़ के गए थे ना उससे ज्यादा क्लीन कर दिया था, क्योंकि सुबह ही पता चल गया था कि मम्मी आने वाले हैं, तो पूरा अच्छे से क्लीन, बेडशीट वगैरह भी बना दी थी ढंग से, और ये ब्लैंकेट वगैरह होती है वो पूरा फोल्ड करके रख दी थी, और बाकी जो चीजें हैं वो तो करनी ही है। अभी कैसी है तबीयत, कैसी है? कमजोरी धीरे धीरे बढ़ेगी। सच बोल रहा हूँ कसम से, नानी की जैसी बॉडी थी ना, शरीर था बिल्कुल वैसा, कमजोर हो रहा है। हाथ दिखाना आपका, कमजोर कसम से यार, सीरियसली बोल रहा हूँ, थोड़ा बुरा भी लग रहा है। मतलब मम्मी के हाथ, मतलब काफी टाइम पहले जैसे टच करता ना, स्किन बिल्कुल सॉफ्ट होती थी जैसे होती है, और अब ये रिंकल्स पड़ जाना, कमजोरी आ जाना, काफी टाइम बाद देख रहा हूँ। बहुत खाना पीना भी और रेस्ट करना भी जरूरी है, हाइजीन का सबसे मेन चीज तो बोलिए कि अपना हाइजीन का मेंटेन रखना है। 20 दिन की है, लेकिन अभी क्या तबीयत, पापा बता रहे हैं बोले सुबह से उल्टियां लग रही हैं। कल लगी थी, मेरा पानी पीऊं पानी ही निकल जाएगा बस। क्यों नहीं उठा जम्मू यार, रात में 11 बजे इतनी सी खिचड़ी खाई थी, फिर दवाई ले ली, दवाइयां खा खा के बेटे दुखी हो गए, इतनी दवाइयां खा ली। मम्मी देखो जब शरीर में दिक्कत है तो एक बार लेनी तो पड़ेंगी दवाइयां वगैरह भी। एक बार ही नहीं, दो खाली पेट में 9-10 गोली ले ली। क्या चीज? बॉडी का बस में तो इम्पॉसिबल था पापा, बस में नहीं आ सकते थे, बस वाला क्या रोक लेता बार बार। इसको तो मैंने पूरी बुक कर दी थी, पीछे का सारा बोल दिया था कि हाँ पूरी प्रॉपर। लेकिन एक बात बताओ मम्मी, अब जो चीज थी आप मेरे को कॉल क्यों नहीं किया? किसी ने भी मेरे को कॉल करके बोल देते मैं लेने आ जाता, मैं इतने दिन से उसी चीज के लिए तो वेट कर रहा था। तो अभी नहीं लगे हैं? अभी तो लगे हैं। हाँ तो अभी अपनी पर्सनल कार होती है उसमें चाहे आराम से लेट के आते हैं जैसे भी। इसमें भी तो लेट के 3 सीट करवा। हाँ हाँ पीछे की मैंने पूरी बुक करवा दी थी। अभी क्या वोमिट, पूरे रास्ते ही वोमिट आई है। पानी पीऊं पानी निकल जाओ, भूख नहीं होनी है। हजम नहीं हो रहा है आपको कोई चीज? पानी पीऊं कुछ खाने के लिए, भूख तो लग गई है। पानी पीऊं पानी निकल। पापा बिना मीठे का कर देना मम्मी का दूध, ले आएगा। हाँ फिक्का ही। मम्मी सच में बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा से थोड़े टाइम की बात है, कोई वो चीज नहीं, जो भी काम है काम करवाने हैं वो चल पड़ेंगे करवा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार खुद का ध्यान रख लो, एक बार खुद ठीक हो जाओ, उसके बाद तो हर काम होते रहेंगे, सारी चीजें होती रहेंगी। हाँ चलो फिर कल मॉर्निंग में चल पड़ते हैं। हाँ। मैं चल पड़ता हूँ साथ में। हाँ। और प्लीज मैं कसम से बोल रहा हूँ, मजाक से हटके कोई प्रेशर नहीं किसी भी चीज का, थोड़े दिन यहाँ रह के जितने भी दिन अपनी इच्छा से ठीक हो के वहाँ, फिर अगर आपको वहाँ रहना है वहाँ रह लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी देखो अब वो चीज बीमारी है तो वो चीज तो लगेगी भी। जब आपको पता है वहाँ पे कुछ चीजें हैं, थोड़ा साफ सफाई का माहौल, और अभी आपको थोड़े टाइम रेस्ट करना है। हाँ
क्या कर दिया? क्यों मम्मी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें बोल रही हो? पूरा बोलो पापा ने क्या कर दिया। इसमें इलायची क्या डाला है पापा? दूध में? दूध में क्या डाल रहे हैं? क्या इलायची है? इलायची ले एक बार दूध ले। कुछ खाने का मन कर रहे हैं? वो था ना जो टिफिन वाली नहीं थी, टिफिन सर्विस वगैरह, वो भी छोड़ के चली गई। टिफिन सर्विस भी बंद हो गया। उनके घर में कोई शादी है तो वो बोल रहे थे अभी मतलब शादी के बाद ही दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो अब खाने वाने का या तो फिर मैं बात कर लेता हूँ एक मेड को, पूछ लेता हूँ। नहीं सिंपल सा खाना बना दिया करेगी। यहीं पे एक मतलब हेल्पर हैं, वो खाना भी बना देंगे और थोड़ा क्लीनिंग का भी ध्यान रखेंगे। कुछ और लेके आऊँ? कुछ खाने पीने की इच्छा है? अब मीठा मत खाना बिल्कुल से भी। फ्रिज में पड़े हैं गुलाब जामुन पड़े हैं, लेकिन वो खाना मत। हाँ सच में बोल रहा हूँ, अभी थोड़े दिन परहेज करो, हट्टे कट्टे हो जाओ, दिखा दोगे। हाँ हाँ तो एक बार ठीक हो जाओ जो भी है, कुछ टाइम थोड़े टाइम आप मेरी चीजें मान लेना प्लीज, क्योंकि मम्मी सच में हेल्थ ज्यादा जरूरी है। थोड़े टाइम अपना ध्यान रखो और कुछ टाइम हो सके तो यहाँ रहो, आपको अच्छा घुमाता फिराता रहूंगा सारी चीजें। कल एक बार देखते हैं, मॉर्निंग में चल पड़ते हैं जो भी काम है। उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं, जिस दिन आप बोलोगे ना खुद से बोलोगे, कसम से बोल रहा हूँ, कोई फोर्स नहीं, कोई धक्का नहीं, ठीक है? ये लो खा लो, पापा शायद अपने लिए कर रहे थे चाय के साथ ना। मम्मी के सामने मत खाया करो पापा कुछ चीजें ना, थोड़ा सा क्या होता है देख के मन कर जाता है दोबारा खाने का। कुछ लाना है अभी खाने का? फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह देख लो मंडी से अगर एक बार हो सके तो, फ्रूट्स वगैरह ले आते हैं। पपीता, पनीर वगैरह खा सकते हो आप? क्योंकि उसमें तो मिठास नहीं होती ना उसमें तो। सैलेड, अनाज भी तो होना चाहिए कुछ थोड़ा बहुत। अनाज में क्या क्या है? दलिया वलिया, खिचड़ी वगैरह, चावल भी मेरे ख्याल से, चावल वगैरह दे सकते हैं। खिचड़ी, दलिया, चावल भी बंद है, आलू भी बंद है, चीनी भी बंद है, मिट्टी भी। मेरे को एक बार बता दो क्या क्या चीजें जो ग्रोसरी की हैं, मैं फ्रेश से मंगा देता हूँ, सुबह तक हो जाएंगी। अभी के लिए एक बार जो कोई नहीं, वो एक बार मैं मंगा देता हूँ, जो भी चीजें हैं काम आती रहेंगी वो। तो कीड़े वाले कौन से आते हैं? कीड़े वाले खीरे लाते हो आप? कब कीड़े का पता नहीं, बाल जरूर आए हैं मेरे खाने में कई बार, इसीलिए डर लगता है शादी करने से कि बाल वाल खाने में आते हैं। जो मूली करे डॉक्टर ने, मूली खाओ, मूली ले आते हैं। जो भी चीजें हैं जो बोली हैं वो दो चार चीजें ले आओ आप, मूली खाओ, हाँ खाओ, ठीक है। और कुछ? अभी होया आप वॉशरूम वगैरह होया है? देख लिया कैसा लगा? ठीक है, अच्छा लगा। कैसा लगा रिव्यू तो दो अपना। ठीक है, साफ किया है वो भी, क्लीन किया है पूरा अच्छे से, वॉशरूम भी क्लीन किया है। अब वो वाला पर्सनल जो है वो आप यूज कर लेना, और बाकी आपको अगर करना है मेरे वाला वॉशरूम यूज कर लिया करना। कोई नहीं मम्मी, आप एक बार दूध पियो और रेस्ट करो थोड़ी देर, ठीक है? और कल का कैसे है मेरे को बता दो एक बार, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं सुबह का देख लेता हूँ। ट्रेन तो है एक ही, और ट्रेन से जाना क्यों तंग? वो मेन जो है वो एक ही है, शाम को जाती है, वो पता है मेरे को। ना ना सूट वाली नहीं है, जो टाइमिंग है वहां से सुबह चलती है अर्ली मॉर्निंग और शाम को जाती है वो है। और ट्रेन से जाना क्यों एक बार बताओ, ट्रेन में दिक्कत नहीं होगी? और रेलवे स्टेशन से उस टाइम पे जिस टाइम वो पहुंचाएगी, कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑटो वगैरह कुछ नहीं मिलेगा? अगर सुबह चल पड़ोगे तो क्या दिक्कत है? अरे सवेरे सवेरे जाओ। हाँ सारा डॉक्टर ने कागज तैयार कर रखे हैं, दस्तखत करने हैं सीएम। हाँ हो जाएगा ना सुबह तो? आपने भी बात कर रखी होगी वहाँ पे जो सिग्नेचर वगैरह करवाने और मम्मी की प्रेजेंस चाहिए हैं? जिंदल वाले चेंज कर लो एक बार। कोई नहीं, अगरबत्ती जलाई थी अभी, फ्रेग्रेंस नहीं आ रही आपको पॉजिटिव से? पूरे घर में ही जलाई थी, कल ही हुई है या इससे पहले भी थी? ना पहले तो ठीक थी सारे। कल फिर वो बता रहा था कि आपने लेट खाना खाया है, गलत टाइम पे खाया है, वो ना खाते थोड़ा सा। इतनी सी दाल खाई थी, दाल पतली सी खिचड़ी बनाई हुई थी। कोई नहीं, चलो अभी जो भी है ले लो आप, चाय वगैरह ले लो, उसके बाद बता देना जो जो चीजें लेके आनी है एक बार ले आते हैं। तो गाइस अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और मम्मी के लिए सैलेड ले आया हूँ, ठीक लग रहा है? थोड़ा नमक डाल दिया था, मतलब काला नमक वगैरह और नींबू वगैरह भी, ठीक है ना?
रात के लिए डिनर के लिए दाल ले आओ। पापा तो घर पे वो बना रहे हैं, आलू गोभी बना रहे हैं। आलू आपको अवॉइड करने हैं, आवाज आ रही होगी ना गाइस आपको पीछे तड़का लगने की। नहीं मैं दाल लेने जा रहा हूँ, बिल्कुल उबली हुई दाल लेके आऊंगा, उसके बाद एक आधा फुल्का ले लेना ठीक है। हाँ 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 मैं सिंपल सी कोई दाल ले आता हूँ। नहीं यार अनाज भी जरूरी है, अन्न भी, इससे पेट थोड़ी भरेगा। बहुत मर जाए मेरा तो अभी। हाँ कोई नहीं, दूध पी लो, दूध रात को ही पी लेना। हाँ कोई नहीं अभी एक बार कर लो, दाल ले आता हूँ, रात को अगर भूख लगेगी तो उसके बाद फुल्का खा लेना एक आधा ठीक है। क्या ले गए भाई? गाय के दूध का सूप। कौन सा है? अच्छा रायता है यार, क्यों मजाक कर रहे हो? हाँ ले लो मम्मी, सेवा चल रही है मम्मी की ना हर तरफ से। ये कब करवाई आपने कटिंग वटिंग? कटिंग वटिंग देहरादून ही हिसार ही? ठीक है ले लो मम्मी, फिर रायता ले लो। मैं इतना बाहर जा रहा हूँ, एक बार दाल ले आता हूँ, उबली हुई दाल ले आता हूँ। वैसे दाल पड़ी नहीं, घर पे भी तो बना सकते हैं ना। चलो अभी मैं बनी बनाई ले आता हूँ, कल से मैं देख लूंगा। नहीं एक बार ले आता हूँ, अभी उबली हुई ले आऊंगा, मतलब डिसेंट सी लेके आऊंगा, ज्यादा वो मसाले वाले नहीं। और रोटी भी लेके आनी है। अरे रात को लग सकती है, भूख लग सकती है, एक बार ले आप खाओ ये, उठो एक बार, उसके बाद मैं वो ले आता हूँ। कोई नहीं अभी मम्मी का रिकवरी मोड चल रहा है। बूंदी है पानी में डाल लेगा, बूंदी फिर डाल लेगा। चलो देख लो, बूंदी रहने देना, जो चीज है तली हुई चीज है वो मत रहने देना, निकाल दो। एक काम करो कुछ ले आओ, चम्मच वगैरह ले आओ, उससे निकाल दो अलग से ही। नहीं यार बेकार होने से वही चीज है, तबीयत खराब होना ज्यादा वो है ना। कॉमेडी करते हो ना आप बीच बीच में। कोई नहीं बूंदी अवॉइड करो। और कल का आप क्या कह रहे हो, जाने के लिए बोल रहे हो? अब कितने दिन छुट्टी, कितने दिन बता रहे हो छुट्टी, कितने दिन है? दशहरे तक है, तब तक काम तो होना नहीं, फिर इकट्ठे ही चल पड़ेंगे साथ में, देख लो। बाकी दो दिन की बात है, दो दिन बाद तो फिर चलना ही है। आप मेरे साथ चल पड़ोगे मम्मी? मेरे साथ चल पड़ोगे आप? क्योंकि दो दिन की बात है, या तो रुकना है तो पापा आप भी रुक जाओ, इकट्ठे ही चल पड़ेंगे, नहीं तो फिर मम्मी को मैं ले आऊंगा। तब दो दिन तो हो ही नहीं सकता, दो दिन का कह रहे हो ना, कल और परसों छुट्टी है, परसों नेक्स्ट डे अर्ली। कोई नहीं वो मैं करवा दूंगा, आप फिर देख लेना, अगर रुकना है तो रुक जाओ साथ में, एक दिन की बात है, एक दिन बाद इकट्ठे चल पड़ेंगे, नहीं तो फिर देख लेना जैसे भी, मम्मी को फिर नहीं तो मैं ले आऊंगा ठीक है, देख लेना आप बता देना जैसे भी हो। चलो मैं एक बार वो दाल वगैरह और रोटी ले आता हूँ। तो गाइस अभी रात के 9 बज रहे हैं और फाइनली घर पे पहुंच चुका हूँ और खाना ले आया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। रोटी ले आया हूँ, एक ऐसी जगह से लेके आया हूँ, बिल्कुल घर जैसी बनाई है, मतलब मैदे वाली नहीं है, सिंपल जो आटे की होती है, और ये दाल है, पतली सी दाल लेके आया हूँ। उठ जाओ मम्मी, डाल दो अभी खाना, आवाज ही नहीं निकल रही मम्मी की। हैं अभी? अच्छा हाँ उस टाइम तो था, कोई नहीं धीरे धीरे हो जाएगा। और ये फ्रिज में ही रख देते हैं सैलेड वगैरह एयर टाइट कंटेनर में, कोई नहीं पड़ा है। खाना फिर अभी डाल खाओगे या कैसे है आपका? हाँ तो फिर मैं वो ले आया हूँ, रोटी है, एक बार डाल देता हूँ, साथ ही साथ खा लो एक बार दाल के साथ, आप तो आलू को भी खा लोगे ना? ठीक है चलो डाल देता हूँ एक बार। तो गाइस अभी देख लो, रोटियां जो है ना बिल्कुल घर जैसी हैं, आटे की ही हैं, साफ पता चल रहा है। और मैं बटर में नहीं लेके आया था, सूखी ही ले आया था साथ में, और मैंने बटर, अमूल बटर मतलब घर पे पड़ा था ऑलरेडी, तो मैं इसके ऊपर ये लगा रहा हूँ अच्छे से बटर में, और अच्छा टेस्ट आता है। अभी पापा का खाना डाल देता हूँ। तो गाइस पापा का खाना डाल दिया था, और साथ में अभी दो रोटी और ले आता हूँ, बोलते हैं ना तीन रोटी नहीं देनी चाहिए। कोई नहीं खाओ अभी एक बार, मम्मी आपको जब भूख लगे खा लेना, मैं यहाँ रख दूंगा होट के इसके आसपास रोटियां, ठीक है? दाल है वो भी कहोगे बाहर रखनी है तो बाहर रख दूंगा, नहीं तो फ्रिज में रख दूंगा, ठीक है? खा लो आप, पानी ला देता हूँ आपको एक बार। चलो और कुछ चाहिए? एसी की तो जरूरत नहीं है ना अब,
ठीक है, मौसम कल मैंने भी नहीं चलाया था। कोई नहीं, खा लो एक बार, मम्मी का थोड़ा सा देख लेना, मैं थोड़ा सा देखता हूँ, आज टाइमली सो जाता हूँ क्योंकि कल मैं सोया नहीं। जिस टाइम से आपके मॉर्निंग में कॉल आ रहे थे ना, पहले 3 बजे आया, उसके बाद क्या वो ड्राइवर का फोन आया जिसकी मैंने बुक कर दी थी 5 बजे, फिर उससे बात करी मैंने, उसका बताया, फिर 7-8 बजे दोबारा, तब से जाग ही रहा हूँ मैं, टाइमली सो जाता हूँ आज। ठीक है, आप भी आराम कर लो, और कल का जैसे भी जो भी प्लान हो, अगर परसों चलना है तो साथ में ही चल पड़ेंगे, नहीं तो कल एक बार मेरे को मॉर्निंग में बता देना। रोटी वगैरह कुछ चाहिए और सलाद वगैरह? ठीक है, चलो कोई नहीं खा लो, जितनी खाई जाती है खा लो एक बार। ठीक है मम्मी, आप भी खा लेना। हाँ ठीक है, चलो गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। तो गाइस अभी ऑलमोस्ट रात के 11 बज रहे हैं और सबका डिनर हो चुका है। मम्मी ने बस नहीं खाया है, पापा ने खा लिया और मैंने भी डिनर कर लिया है। अभी मैं सोच रहा था कि टाइमली सो जाऊंगा, बट फिर याद आया मुझे कुछ कमिटमेंट्स भी अपनी फुलफिल करनी है। क्या है, हमारी कुछ कमिटेड वीडियोस होती है जो हमें गिवन डेट्स पे ही देनी होती है, तो अभी सोऊंगा नहीं, अभी काम करूंगा, मतलब एक वीडियो बनाऊंगा पूरा प्रॉपर। मैंने कुछ शॉपिंग करी थी, आपको अपना कलेक्शन दिखाऊंगा, उसके बाद एडिटिंग करूंगा, उसके बाद सोऊंगा। तो अभी मैंने कुछ शॉपिंग करी थी, आई होप आपको पसंद आएगी। अभी मैं आपको अपना कलेक्शन दिखा देता हूँ। तो गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। एज यू ऑल नो गाइज, मैं ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करता हूँ और फिलहाल मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ Amazon से। Amazon पे शॉपिंग करने के गाइज मेरे ढेर सारे रीजंस हैं। Amazon पे आपको बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स देखने को मिलते हैं और उन्हीं बड़े बड़े ब्रांड्स का ह्यूज कलेक्शन देखने को मिलता है। Amazon पे आपको फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे ऑलमोस्ट 50-80% तक डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं। और इट्स नॉट ओनली अबाउट डिस्काउंट्स एंड ह्यूज कलेक्शन, उसके साथ साथ Amazon पे आपको बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, कोई साइज इशू आता है या कोई कलर इशू आता है, तो आप उस प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट अप टू 30 डेज तक रिप्लेसमेंट भी करवा सकते हो फॉर अ डिफरेंट साइज और कलर। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो सेम आपको ऑलमोस्ट अप टू 30 डेज तक उसकी रिटर्न पॉलिसी भी मिलती है। और जब भी आप Amazon से शॉपिंग करते हो, यानी आप अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हो, अगर आप उस ऑर्डर को प्रीपेड कर देते हो तो उस केस में आप कैशबैक भी अर्न करते हो और आपको फ्री डिलीवरी भी मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम Amazon पे कोई ना कोई सेल चली रही होती है, बट एनुअली इनकी बहुत ही बड़ी बड़ी ह्यूज सेल आपको देखने को मिलती है, लाइक Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। और अगर उस टाइम पे अगर आपने Amazon की प्राइम मेंबरशिप ले रखी है, मतलब अगर आप Amazon के प्राइम मेंबर हैं, तो किसी भी आने वाली बड़ी सेल के डोर्स आपके लिए एक दिन पहले ही ओपन हो जाते हैं, यानी आपको एक दिन पहले अर्ली एक्सेस मिल जाता है और उसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट भी देखने को मिलते हैं। तो अभी उसी सेल के चलते हुए मैंने कुछ शॉपिंग करी है। आई रिमेम्बर लास्ट वीडियो में मेरे कुछ कमेंट्स आए थे कि भैया आप हमेशा बॉयज का ही कलेक्शन दिखाते हो, मेंस वियर ही दिखाते हो, कभी आप फीमेल्स का कलेक्शन नहीं दिखाते हो, मतलब लेडीज वियर नहीं दिखाते हो। तो वो सब चीजें मैंने माइंड में रखते हुए इस बार जो मैंने शॉपिंग करी है वो मैंने फीमेल्स के लिए ही करी है, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा फिल्टर करके करी है। मतलब जो होता है ना टॉप मोस्ट ब्रांड्स में से, टॉप मोस्ट कलेक्शन और जो आर्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा फिल्टर करके मैंने top 3 जीन्स सिलेक्ट करी है जो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और कुछ ऐसे कलर्स मंगाए हैं जो मस्ट हैव होते हैं, लाइक नेवी ब्लू कलर और ब्लैक कलर, जो मस्ट हैव होते हैं हर फीमेल्स पे, चाहे आप ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट जीन्स मैंने कौन सी मंगवाई है। तो गाइस फर्स्ट जो मैंने जीन्स मंगाई है वो मैंने मंगवाई है फ्रॉम द ब्रांड लिवाइस। आई नो आप सबको पता होगा कि लिवाइस का कम्फर्ट नेक्स्ट लेवल होता है, और ये मैंने नेवी ब्लू कलर में मंगवाई है, तो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आने वाली है। और इसकी जो फिटिंग है वो स्किनी फिट है, तो आपको बहुत कंफर्ट रहने वाली है, और इसमें आपको काफी अच्छा स्ट्रेच भी देखने को मिलता है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये फ्रंट और बैक से कैसी लगती है। ऑब्वियसली ये स्किनी फिट है और साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी फिटिंग आपके ऊपर कैसी आने वाली है। और इसमें ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत अच्छा स्ट्रेच देखने को मिलता है, और फिटिंग तो इसकी नेक्स्ट लेवल होती है, मतलब कंफर्ट भी, और इजी टू वॉश होती है, इजी टू क्लीन होते हैं, मतलब फैब्रिक कुछ इस टाइप का होता है, बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देखने को मिलता है। और इसकी जो बैक से फिटिंग होती है, फिटिंग भी काफी कंफर्टेबल लगेगी आपको। अभी मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट जींस मैंने कौन सी मंगवाई है। तो गाइस नेक्स्ट जो मैंने जींस मंगवाई है वो मैंने मंगवाई है फ्रॉम द ब्रांड स्पाइकर। स्पाइकर का कंफर्ट आपको पता है काफी कंफर्टेबल रहता है, और इसका जो स्टफ होता है काफी इजी टू ब्रीथ होता है, और काफी अच्छा स्ट्रेच देखने को मिलता है। तो मैंने जो सेकंड जींस मंगवाई है वो मैंने मंगवाई है ब्लैक कलर में। ब्लैक ये मस्ट हैव कलर होता है, मतलब बहुत सारे आपके टॉप्स होते हैं, बहुत सारे अपर वेयर होते हैं, उनके साथ ब्लैक कलर मस्ट हैव होता है, तो मैंने ब्लैक कलर ही मंगवाया है। और ये नॉर्मल ब्लैक कलर नहीं है, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर है। इसमें आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, कार्बन ब्लैक भी होता है, बट जो प्योर ब्लैक होता है वो काफी सूट करता है आप पे। और इसका जो आर्टिकल है ये एलेक्सा मॉडल है, स्पेशली लिमिटेड एडिशन है स्पाइकर का, जो काफी कंफर्टेबल जींस बनाते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें क्या है, बिल्कुल प्योर ब्लैक मिलती है, कोई भी ऐसा आपको थ्रेड वर्क नहीं मिलता है जो डिफरेंट कलर का हो। उससे क्या है थोड़ा
ग्रेस खत्म हो जाती है जींस की ना, तो प्योर ब्लैक ही कलर की जींस है और ब्लैक ही कलर की आपको स्टिचिंग मिल रही है इसमें। और इसकी मैं लेंथ बता देता हूँ आपको, ये एंकल लेंथ है, तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आप थोड़ा करवा सकते हो, एडजस्ट करवा सकते हो, बट इसकी जो फिटिंग है आपके ऊपर प्रॉपर अच्छी ही आने वाली है। आप देख सकते हो साइड में काफी कंफर्टेबल लगेगी आपको। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड जींस मैंने कौन सी मंगवाई है। तो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड जो मैंने जींस मंगाई है वो मैंने सेम ब्रांड से मंगाई है, फ्रॉम द ब्रांड स्पाइकर। और ये जींस मैंने कुछ ऐसे फिल्टर करी हैं, इनके मैंने बहुत सारे रिव्यूज भी पढ़े थे और कंफर्ट लेवल और इनका जो फैब्रिक है फैब्रिक के बारे में भी काफी रिसर्च करी थी, उसके बाद ही मैंने ये टॉप 3 जींस सिलेक्ट करी है आपके लिए। तो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आने वाली है, कंफर्ट के साथ साथ इनका जो लुक है वो भी आपको काफी अच्छा लगेगा। देख लो आपको बैक पॉकेट से कुछ कुछ जींस ऐसी लगेगी और फ्रंट साइड से आपको ये जींस कुछ ऐसी मिलने वाली है, काफी मतलब डिसेंट सी जींस है, मतलब इसमें कोई ऐसा रफ वर्क नहीं करा गया है, मतलब कि कहीं से कटी फटी वाली उस टाइप की जींस नहीं है, डेफिनेटली वो भी अच्छी लगती है। बट ये मैंने टॉप 3 डिसेंट जींस मंगाई थी जो आप ऑफिस में डाल के जा सकते हो, कॉलेज में डाल के जा सकते हो और आपको बहुत कंफर्टेबल रहेंगी। और ये जो जींस है इसका अडोरा मॉडल है, इसके मैंने रिव्यूज पढ़े थे तो काफी पॉजिटिव रिव्यूज थे, ऑलमोस्ट 4+ की रेटिंग थी, तो डेफिनेटली आपको ये भी काफी अच्छी लगेगी। और इसकी जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा अल्टर करवा सकते हो। तो ये कुछ जींस है जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट करी थी और साइड में आप देख सकते हो इस जींस की लुक कैसी आ रही है। और आप इसको मल्टी ट्राई कर सकते हो टॉप्स के साथ, शर्ट्स के साथ, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ इस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो मिस मत करना, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं, तो जो शेड्स और जो आर्टिकल आपको पसंद आता है आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का मेरा कलेक्शन पसंद आया होगा। अगर आज का मेरा कलेक्शन आपको पसंद आया है तो इन सभी प्रोडक्ट्स के बाइंग लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो गाइस। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो का, इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड कर देता हूं। अगर आज का वीडियो, आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।